हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसएससी सीजीएल फॉर्म फिलअप के बारे में। तो एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो इसके फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए हैं आज से 29 दिसंबर 2020 से। इसकी अंतिम तिथि है 31/1/2021, तो लगभग एक महीने का आपके पास टाइम है, इस बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने से आप इसके डिटेल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म फिल करें। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। वहां जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए, आपको एक नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉर कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2020। तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप पहले से ही यूजर हैं तो आपको यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड और इस कैप्चा कोड को डाल के लॉग इन कर लेना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अब वो कैंडिडेट जो नए यूजर हैं, जो पहली बार एसएससी का फॉर्म भर रहे हैं, उनको यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अगर आप पुराने यूजर हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के बाद के स्टेप को देख लीजिए। तो अभी पहले बताते हैं उन यूजर का, जो नए यूजर हैं, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस देखा, यहाँ पर देखिए आपको तीन डिटेल फिल करनी है, बेसिक डिटेल, एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल एंड फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल। ठीक है, सबसे पहले बेसिक डिटेल में यहाँ पर आना है। यहाँ पर देखिए बेसिक डिटेल है, डू यू हैव आधार, आपके पास आधार है तो यहाँ पर यस करना है, और नहीं है तो आपको नो कर देना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको फिर दूसरी आईडी देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद उसी आधार नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, जो आपने यहाँ पर डाला है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी, अगर आपने आधार नंबर डाला है तो टाइप ऑफ आईडी आपको नहीं डालनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए नेम डालना है, नेम यहाँ पर देखिए ध्यान रहे, नेम जो होगा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। इसके नीचे इसी नेम को यहाँ पर वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हैव यू एवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी अपना नेम चेंज किया तो यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपने चेंज किया है, यस करने के बाद यहाँ पर उस नेम को डाल देना है। इसके बाद अपना फादर नेम यहाँ पर एंटर करना है, फादर भी हाई स्कूल में जो सर्टिफिकेट में आंसर है वही यहाँ पर डालना है। इसके बाद वेरीफाई कर लेना है फादर नेम को। इसके बाद मदर नेम डालना है, ये भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। इसके बाद अपने मदर नेम को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर फिर से डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखिए मेट्रिकुलस 10th क्लास की एग्जामिनेशन डिटेल डालनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एजुकेशन बोर्ड यहाँ पर चूज कर लेना है, जो भी आपका एजुकेशन बोर्ड है। इसके बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई कर देना है उससे एजुकेशन बोर्ड को। इसके बाद देखिए रोल नंबर यहाँ पर डालना है हाई स्कूल का, ध्यान रहे यहाँ पर हाई स्कूल का रोल नंबर डालना है, क्योंकि यहाँ बहुत बार बच्चे जो है इंटरमीडिएट का रोल नंबर डाल देते हैं, तो आपको यहाँ पर हाई स्कूल की डिटेल भरनी है तो हाई स्कूल का ही रोल नंबर यहाँ पर डालना है। ठीक है, फिर उसी रोल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद देखिए ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में आपने पास किया था हाई स्कूल, वो यहाँ पर डाल देना है, और ये इसको वेरीफाई कर लेना है किस ईयर में पास किया था, इसको वेरीफाई कर लेना, दोबारा इसको डाल देना है। इसके बाद यहाँ से अपना जेंडर चूज करना है, जो भी आपका जेंडर है इसका जेंडर को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद देखिए लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है वो यहाँ से डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है, फिर उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद देखिए अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देनी है, और फिर उसी ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद देखिए स्टेट यूटी और परमानेंट एड्रेस, आपको यहाँ पर अपना स्टेट चूज कर लेना है, और यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर देखिए आपकी आपका मोबाइल नंबर दिखेगा आपको, और आपकी ईमेल आईडी आपको दिखेगी। और फ्रेंड्स, ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों एक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक करना है। सेव इन नेक्स्ट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो पासवर्ड है आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू आएगा, और ये जो है रजिस्ट्रेशन आप 14 डे में आपको कंप्लीट कर लेना है। अगर आप नहीं करते हैं 14 डेज में कंप्लीट, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फिर ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पर पासवर्ड, यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के जो आपके मोबाइल में आया है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर उसके बाद लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपके पास ईमेल आईडी और यूजर नेम आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको पासवर्ड चेंज करना है, यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है जो अभी मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल में आया है, और इसके बाद यहाँ पर न्यू पासवर्ड जो आप चूज करना चाहते हो और उस पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आप उसको क्लोज कर दीजिए।
क्लोज करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर लॉगिन करने पर पड़ेगा। यूजर नेम और न्यू पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपकी बेसिक डिटेल फिल हुई होंगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल कर दी हैं। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको एडिशनल डिटेल को फिल करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी डालनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है वहां पर उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद उस कैटेगरी को यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। इसके बाद आपने अपनी नेशनलिटी यहाँ से चूज कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डाल देना है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है आपकी बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में कोई मार्क्स नहीं है तो आपको नो मार्क कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। अगर आप डिसेबल हैं, अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, ठीक है। और अगर नहीं आते तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको डिसेबिलिटी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल डालनी है। इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है। अगर फ्रेंड्स आपको परजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आप यहाँ पर नो करोगे तो आपको यहाँ पर डिटेल डालनी पड़ेंगी। अगर आप यस करते हो तो दोनों डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद आपको सारी डिटेल फिल होने के बाद आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे कुछ ऐसा एक पॉपअप दिखेगा, इसको यहां पर आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद देखिए कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा, यहां पर आपको डिक्लेरेशन करना है। यहां पर आपको डिक्लेरेशन की डिटेल डालनी है। देखिए पहले यहां पर क्या होता था, आपको फोटो एंड सिग्नेचर डालने पड़ते थे, लेकिन अभी जो यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर नहीं डालने हैं, वो आपको फॉर्म फिलअप के टाइम डालने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको कोई फोटो एंड सिग्नेचर नहीं डालने हैं। आपको सिंपली यहां पर नीचे स्क्रॉल करना है, यहां पर एक चेकबॉक्स दिखेगा आई एग्री का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करोगे आपके मोबाइल और ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर डाले, उसके बाद इस सबमिट पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स आप इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दी जाओगी। यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडिफिकेशन रजिस्ट्रेशन भी आप कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले फॉर्म फिल किया है, पहले रजिस्ट्रेशन किया है, उनको यहाँ से स्टेप को आप फॉलो करने हैं। तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिएगा कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जामिनेशन 2020, आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे आपके कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से ही ऑटोमेटिक फिल दिखेंगी, जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल की थी। आपको 15th नंबर पर आना है, यहाँ पर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर आपको चूज कर लेना है आपके सेंटर। आपको सेंटर चूज करने के बाद यहाँ पर तीनों सेंटर चूज कर लेने हैं जो कि आपके नजदीकी सेंटर है, वो आपको चूज कर लेने हैं। और फर्स्ट प्रेफरेंस में वो सेंटर डालना है जो आपका नजदीकी सेंटर है, ठीक है। इसका देखिए आपको अगर आप एक्स सर्विस मैन आपको यस कर लेना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। इसका नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, ये सारी डिटेल आपको कुछ फिल नहीं करनी है। यहाँ पर देखिए ये है अगला 18th नंबर पर आना है। यहाँ पर देखिए आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। अगर आप जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए डू यू हैव एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, आपको इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका ऑलरेडी यहाँ पर नो हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर भी नो हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, आपको एलिजिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए, आपको यहाँ पर यस कर देना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। इसका नीचे आओगे देखिए यहाँ पर आपको आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन डालनी है, जो भी आपकी हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर डालनी है। इसके बाद देखिए आपकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन डिटेल, जो कि ग्रेजुएशन मांगी गई है SSC CGL की फॉर्म फिलअप के लिए, तो आपको यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन आपको चूज कर लेना है या इसके इक्विवेलेंट जो भी है। इसका देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, पास एंड अपेयरिंग। अगर आप पास हैं तो आपको यहाँ पर पासिंग ईयर चूज करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अपना स्टेट आपको चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर बोर्ड का नेम आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर आप CGPA है तो आपको यहाँ पर CGPA डालना पड़ेगा। फ्रेंड्स अगर आप अपेयरिंग कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपेयरिंग चूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए पासिंग ईयर आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपने स्टेट का नेम और यहाँ पर बोर्ड का नेम आपको डालना है। और फ्रेंड्स रोल नंबर और परसेंटेज भी आपको नहीं डालना है। इसका देखिए आपको यहाँ पर देखिए यस कर देना है। यस करने के बाद आपकी जो डिटेल है
एड्रेस की वहां पर ऑटोमेटिक फिल दिखेंगी जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल की थी। बाद इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए आपको फोटो एंड सिग्नेचर की डिटेल डालनी है। फोटो एंड सिग्नेचर में यहाँ पर देखिए इसका साइज होना चाहिए 20 से 50 के बी के बीच में जो कि जेपीजी जेपीजी फॉर्मेट में होगा, यहाँ पर चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए सिग्नेचर डालना है, सिग्नेचर की डिटेल में यहाँ पर सिग्नेचर जो होंगे 10 से 20 के बी के बीच में होंगे और यहाँ पर चूज कर लेना है उसको भी। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए फोटो जो होगी उसमें डेट मेंशन की होनी चाहिए, फोटो जो होनी है 3 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए और फोटो में जो डेट मेंशन की है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। वेदर द डेट मेंशन, अगर आपने जो फोटो में जो डेट डाली है वो क्या क्लियर दिख रही है नहीं दिख रही है तो यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। इसके नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर देखिए चेकबॉक्स है, यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और इसके बाद ये कैप्चर कोड दिया है इसको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको फॉर्म का प्रीव्यू कर लेना है। फ्रेंड्स प्रीव्यू में सारी डिटेल चेक करने के बाद अगर आपकी सारी डिटेल फिल है तो आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अगर आपकी डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो आपको यहाँ पर एडिट मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आप एडिट मॉडिफिकेशन में क्लिक करके डिटेल को सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सारी डिटेल सही होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा यहाँ पर दिखेगा, सबमिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसको आपको ओके कर देना है। फ्रेंड्स एक बार आप सबमिट कर लोगे तो उसके बाद आपकी डिटेल जो है एडिट नहीं हो पाएंगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसेस पेमेंट, अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप एससी एसटी या वुमेन्स कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए, फॉर्म जो है सबमिट हुआ रहेगा। फ्रेंड्स अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैंडिडेट है आपको यहाँ पर फॉर्म फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, फीस पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर देखिए आपको दो मोड दिखेंगे पेमेंट के, एक ऑनलाइन दूसरा ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 100 रुपये आपकी फीस होगी, आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको SBI का पेमेंट गेटवे दिखेगा। फ्रेंड्स ऐसा है कि आप इसमें किसी भी कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, अगर आपके पास SBI का कार्ड है तो आपको SBI के कार्ड से करना है, अगर आपके पास अदर बैंक का कार्ड है तो आपको अदर बैंक के कार्ड से करना है। आपको देखिए SBI कार्ड यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। इसके देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है इसको, इसके बाद फिर से आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कार्ड नंबर अपना डालना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट, इसके बाद अपने कार्ड होल्डर का नेम यहाँ पर डालना है, इसके बाद CVV यहाँ पर डालना है और इसके बाद इस कैप्चर कोड को यहाँ पर एंटर करने के बाद पे पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप पे पे क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर देखिए आप अपना फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं और अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है और आपका पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट दिखा रहा है तो आप यहाँ पर डबल वेरिफिकेशन पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद आपका पेमेंट सक्सेस दिखाएगा। अगर नहीं दिखाता है तो 2-3 दिन वेट कीजिए, इसके बाद आपका पेमेंट जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको SSC CGL 2020 का फॉर्म फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो में हमने आपको सारा प्रोसेस बताया है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।